आपको पता है हमारे घर में एक ऐसा इंसान होता है, टीवी पे कॉमेडी शो चल रहा है, पूरा घर हंस रहा होता है, लेकिन वो नहीं हंस रहा होता है। पता कौन होता है? वो हमारा बाप होता है, घर की जिम्मेदारी, घर का मेन पिलर। उसका साया जाने के बाद ही हमें उसकी कमी महसूस होती है, वरना जब तक वो हमारे साथ रहता है ना, हमें उसका एहसास नहीं होता। जब बंदा दुनिया के धक्के खाता है ना बाहर के, तब जाके उसे अपने बाप की याद आती है। तब बंदा सोचता है यार 20-22 साल तक तो मुझे पता ही नहीं चला मैं घर में खाना कैसे खाता हूँ, हमारे घर में खाना कैसे आता है। आज मैं नौकरी के धक्के खा रहा हूँ, तब मुझे पता चला बाप क्या होता है। कई बाप तो ऐसे होते हैं किसी बड़ी बीमारी का ऑपरेशन तक नहीं कराते क्योंकि उनको अपनी बेटी की शादी करनी है। सब हंसते हैं, सब रोते हैं, लेकिन उस बंदे के ना हंसने का पता चलता है, ना उस बंदे के रोने का पता चलता है। पता है आजकल के माहौल में ना, नॉर्मली सब शाम को अपने घर आते हैं ना लौट के, बाहर आप देखते हो लोग कोई मोमोस खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, लेकिन एक आदमी होता है जो ठेले पे से कभी सेब खरीद रहा है, संतरे खरीद रहा है, बैग में डाल के अपने घर चला जाता है। वो बाप होता है जो अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जा रहा होता है। सच बता रहा हूँ, आपने अपनी माँ को बहुत बार रोते हुए देखा होगा, लेकिन अपने बाप को ना कभी रोते हुए देख नहीं सकते। दुनिया में यही एक ऐसा इंसान है जो आपको आगे बढ़ते हुए देख के खुश होगा, वरना सारी दुनिया ना सिर्फ जलती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आजकल लोगों को लगता है मेरे माँ बाप से ज्यादा होशियार मैं हूँ, मेरा बाप पागल है। नहीं, सच बता रहा हूँ, आप जिस फोन से मेरी रील देख रहे हो ना, इस फोन को अपने आप को देख लो और अपने बाप के हाथ में कौन सा फोन है उसको देख लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उनके होने का एहसास ना उनके ना होने पे होगा बस। तुम्हें मुड़ के भी नहीं देखते अपना मुंह मोड़ने के बाद, तुम्हें बहुत याद आएंगे वो दम तोड़ने के बाद। माँ बाप अपनी जवानी में ऐश कर सकते थे, लेकिन अपनी जवानी तुम्हारी जवानी बनाने में लगा दी। बड़े अफसोस की बात है, उसकी नसीहत हमें याद नहीं रहती, लेकिन उसकी वसीयतें जरूर याद रहती हैं। पता है, लड़का हो या लड़की हो, बाप अपने कंधे पे जिम्मेदारी जब तक ले सकता है जब तक वो खुद किसी के कंधों पर जनाजे पे ना उठ जाए। वक्त रहते इनकी कदर कर लो, वरना इनके जाने के बाद बहुत पछताओगे। तो अपने बाप के लिए ना कुछ कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाना। एंड आई नो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पापा नहीं है।